हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 17th of April और अभी मैं जस्ट शूट स्टार्ट करने वाली थी मेरे दूसरे चैनल के लिए। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो बनाने वाली थी, पर क्या हुआ कि कल मुझे जाना है मेरी बुआ के घर पे, उनके नए घर में पूजा है, तो कल मुझे जाना है उनके घर पे। तो जयदीप इस लाइक के कल, मतलब यहाँ से काफ़ी दूर है वो, ऑलमोस्ट मुझे 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, ऑलमोस्ट 2 घंटे। तो इज़ लाइक के आप अभी मम्मी के घर पे जाओ दोपहर में, एंड कल सुबह, मम्मी के घर से काफ़ी नज़दीक है, इट टेक्स ओनली 1/2 आवर, तो इट विल बी ईजी के सुबह 1/2 आवर का ट्रैवलिंग करो, इट्स बेटर ना कि यहाँ से लाइक मुझे 6 बजे या फिर 7 बजे निकलना पड़ता और मुझे पूरा ड्राइव करके, 2 घंटे ड्राइव करके मैं वहाँ पहुँचती। तो मैंने सोचा कि या ही इज़ राइट, मैं अभी जाती हूँ, रात को मम्मी के वहाँ स्टे करूँगी, एंड नेक्स्ट डे कल हम लोग, मम्मी और सब हम लोग मिल के निकलेंगे बुआ के घर पे, एंड वहाँ से फिर कल का दिन मैं मम्मी के वहाँ स्टे करूँगी, एंड परसों सुबह वापस। तो ये प्लान है और मैंने अभी तक मम्मी को नहीं बताया है, तो लेट्स सी मम्मी का रिएक्शन क्या होता है वहाँ पे पहुँचने के बाद। और वियान अभी गया है स्कूल में, सो आई एम वेटिंग कि वो स्कूल से वापस आए, मैं उसे खिलाकर थोड़ी देर सुला दूँगी, उसका थोड़ा रेस्ट हो जाए, उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे, मैं और वियान निकल जाएंगे। जयदीप की फ़्लाइट है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, तो मैं और वियान जाएंगे दोपहर में। यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो लगता ही है मम्मी के घर पे जाते जाते, एंड मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं ड्राइव करती, मैं हमेशा सेफ ड्राइव करती हूँ, लाइक एकदम स्लो भी नहीं बट सेफ ड्राइव करती हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाएंगे आराम से। तो लेट्स सी मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। और मैंने मेरे कपड़े साइड में निकाल के रख दिए हैं, मेरे और वियान के बैग गेस्ट रूम में पड़ी है और वहाँ पे जयदीप सो रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, क्योंकि वो रात को गए थे लाइक अराउंड 3 o'clock और सुबह 8:30 बजे आए हैं फ़्लाइट से, तो वो सो रहे हैं अभी, सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वो उठेंगे उसके बाद में। बस मुझे सारी चीज़ें डंप करनी है बैग के अंदर, तो सारी चीज़ें डंप करके और तब तक, जब तक जल्दी उठते हैं तब तक मैं बाहर का सब क्लियर कर दूँगी, एंड फिर हम लोग निकलेंगे मैं और वियान। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और उसके लिए मैंने घी गरम कर लिया और उसके बाद में मैं ऐड करूँगी गाजर और इन दोनों को मिक्स करके फिर ढक कर रख दूँगी 5 to 10 minutes के लिए। तो 5 से 10 मिनट के बाद में इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और जो घी के साथ जो गाजर है वो अच्छे से सेक के तैयार हो जाएगा और उसके बाद में मैं दूसरी सारी चीज़ें ऐड करूँगी। तो 7 to 10 minutes हो गई है और बीच बीच में मैंने चेक भी किया था कि वो नीचे स्टिक ना हो जाए और अब देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है और अच्छे से सेक गया है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिल्क और मिल्क आपको ये अब पूरा डूब जाए उतना ऐड करना है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और उसके बाद में ऐड करनी है शुगर, शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से, हम लोग ज़्यादा मीठा और ज़्यादा फीका भी प्रेफर नहीं करते, मीडियम वाला टेस्ट प्रेफर करते हैं। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर और फिर इसे बॉईल होने देना है और जब तक ये दूध है पूरा बॉईल ना हो जाए, मतलब दूध और शुगर पूरा अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक इसको बॉईल करना है। इसे तब तक पकाना है जब तक इसके ऊपर घी दिखने ना लगे। आप देख सकते हैं कि अभी ये घी दिखने लगा है, दैट मीन्स अभी ये तैयार हो गया है। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची के ड्रॉप्स और ये हम लोगों ने कोचिन से लिए थे, बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आपके पास ये ड्रॉप्स नहीं है तो आप नॉर्मल इलायची है उसे क्रश करके डाल दें। लंच हो गया तैयार और लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे मम्मी के घर पर और ये मेरी बैग तैयार है, मैं और यान निकल गए हैं। तो ये है गांधीनगर और आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम है तो पूरा रोड खाली है। मेरी मम्मी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग आज जाएंगे, क्योंकि हमने उनको कहा था कि हम लोग 18th को सुबह आएंगे और उन्हें लेके डायरेक्टली फंक्शन में चले जाएंगे, तो वो कम्प्लीटली शॉक हो गई थी हम दोनों को देखकर।
तो नेक्स्ट डे हम गए बुआ के घर पे, और उनके घर पे पूजा थी, तो ये मेरी बुआ और फूफा। तो मेरी बुआ काफ़ी क्यूट लगती है, और लगता ही नहीं है कि उनकी इतनी बड़ी बेटी है। ये उनकी बेटी मिलोनी और जीजू। तो ये मेरी कज़िन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कम कज़िन है, और हम दोनों बहुत सारी बातें करते हैं फ़ोन पे। और आप देख सकते हैं मेरी बुआ कितनी यंग लगती है, उनको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनका इतना बड़ा बेटा या बेटी होगी। तो मेरी फेवरेट बुआ है ये। एंड मेरी बुआ के साथ खड़ी है मेरी दादी, एंड मेरी दादी 90+ की है, एंड स्टिल शी इज़ वेरी स्ट्रांग, और अभी भी वो काफ़ी स्ट्रांग है। और ये है मिलाबी वियान के साथ, जो मेरी कज़िन है मिलोनी, उसकी डॉटर। तो वियान और मिला भी बहुत खेले एक दूसरे के साथ। और ये है मेरे नेफ्यू एंड नीस, और जो सबसे वाला बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है वो मेरा कज़िन भाई है, छोटा वाला। और ये मेरे भाई की तरह दिखता है, मेरा जो रियल भाई है वो ऐसा ही दिखता है। एंड ये है सारी सिस्टर्स, और मैं मिलोनी के साथ खड़ी हूँ। तो आज है अक्षय तृतीया, और अकॉर्डिंग टू तिथि आज वियान का बर्थडे है, थर्ड बर्थडे। तो हम लोग मम्मी के घर पे आने के बाद में हम लोग ने केक कट किया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वियान ने खुद केक सिलेक्ट किया और हम लोग घर पर लेकर आए, मैंने मम्मी ने और वियान ने, तीनों ने मिलकर सेलिब्रेट किया। तो अकॉर्डिंग टू डेट वियान का बर्थ डेट है 21 अप्रैल 2015। तो वियान 3 साल का हो गया है, और आज है 18th, तो 2 दिन बाद में है उसका बर्थ डेट। और हम लोग जाएंगे पाली, वहाँ पे है हमारे महाराज साहब, और हम लोग वहाँ जाके उनके दर्शन करेंगे, और उनका एक अच्छा टेम्पल है वहाँ पे, हम लोग दर्शन करेंगे और उसका बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे एकदम रिलीजियस वे में। और पापा भी आ रहे हैं, मेरे जो इन लॉज आ रहे हैं, तो हम सब लोग मिलकर जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे उसका बर्थडे। सो इसी के साथ मेरा वीडियो होता है ख़त्म। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।